हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं बनाती हूँ ट्विन फ्लेम्स रिलेटेड कंटेंट। यहाँ पर मैं जो कोई भी कंटेंट शेयर करती हूँ वो सारा का सारा डिवाइन के चैनलिंग्स के थ्रू, उनके गाइडेंस के अंडर और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से शेयर करती हूँ। सो गाइस, विदाउट एनी डिले इस पॉडकास्ट को हम स्टार्ट करते हैं। मैरिड ट्विन फ्लेम्स के बारे में जो है, काफ़ी ज़्यादा लोग यू नो प्रॉब्लम में होते हैं। ये सोचते हैं कि मैरिज के बाद यू नो हमारे ट्विन से हमारी मुलाकात जो है क्यों हुई, या फिर एक ट्विन फ्लेम की जो है मैरिज हुई हुई होती है, दोनों ट्विन फ्लेम की मैरिज हुई हुई होती है, एक मैरिड होता है और एक अनमैरिड होता है, या फिर ऐसा होता है कि आप अनमैरिड हो और आपके यू नो DM की जो है मैरिज फिक्स हो चुकी है, शादी होने वाली है। तो फिर गाइज, ऐसे केसेस में ऐसे ट्विन फ्लेम्स जो है काफ़ी ज़्यादा यू नो उन्हें सोल शॉक मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा वो सोचने लग जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे ट्विन फ्लेम जो है मैरिज के बाद ही मेरी लाइफ में जो है क्यों आए, ऐसी कौन सी यू नो वजह थी, ऐसा क्या रीज़न था वगैरह। या फिर अगर ट्विन फ्लेम के साथ हमें रहना है, अगर हमारा यूनियन होना फिक्स है, तो फिर एक ट्विन फ्लेम मैरिड क्यों, या फिर एक ट्विन फ्लेम की जो है मैरिज फिक्स क्यों हो गई है। तो इस तरह के कई सवाल जो है ट्विन फ्लेम्स को आते रहते हैं। सो गाइस, आपने यहाँ पर एक बात नहीं समझी हुई होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप काफ़ी ज़्यादा यू नो पेन में होते हो। इतना ज़्यादा इंटेंस लव जो है आपको आपके DM की तरफ फील होता है, और फिर आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह है, और आप जो है अच्छे से इस जर्नी को जो है समझ नहीं पाते हो। आप ऐसा सोचते हो कि इस जर्नी का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है प्यार पाना है, ये एक यू नो 3D रिलेशनशिप की तरह जो है आप इसे लेते हो, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह आप इसे समझते हो, पर इस जर्नी का पर्पस जो है कुछ अलग होता है। सो गाइस, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस जर्नी का सारा पर्पस यही होता है कि आप जो है आपकी ग्रोथ करें। और अब वो कैसे करेंगे, आपके DM आकर आपको इश्यूज मिरर करेंगे, आपके सराउंडिंग के लोग, आपके फैमिली मेंबर्स जो है आपको आपके अंदर जो कुछ भी इश्यूज है, जो कुछ भी निगेटिविटीज़ है, वो रिलीज़ करने में, वो आपको दिखाने में हेल्प करेंगे। उसके बाद जो है आपको खुद की हीलिंग करनी होती है, और आपको इन यू नो सिचुएशन से बाहर निकलना होता है। जो कोई भी सिचुएशन आपके लाइफ में आपको प्रॉब्लम दे रही है, आपको स्टक रख रही है, तो फिर ऐसे सारे सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जो है आपके ट्विन आपकी लाइफ में आते हैं। यस, तो अगर आप आपके यू नो रिलेशनशिप में कहीं स्ट्रगल कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड लेसन्स जो है आपको सीखने पड़ेंगे, आपको और भी अच्छा बनना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड एरियाज़ में स्टक कर हो, तो फिर आपके ट्विन आकर जो है आपको उसी एरिया में जो है ट्रिगर देंगे, आपके सराउंडिंग के लोग भी आपको उस एरिया में आकर जो है ट्रिगर देते हैं। तो इस तरह से गाइस, जब आपके ट्विन आपके लाइफ में आते हैं, तो उनका पर्पज़ यही होता है कि आपको वो एक यू नो बेटर सोल बना सके, आप अपने खुद का एक बेस्ट वर्जन बन सके, खुद को आप बेस्ट बना सके। लेकिन बहुत से यू नो DF जो है स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा यू नो प्रॉब्लम में आ जाती है, बहुत ज़्यादा निगेटिव जो है माइंडसेट में चली जाती है। उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, DM के साथ यू नो मैरिज हो जाए। स्पेसिफिकली ऐसे लोगों के लिए जो अनमैरिड है, या फिर सिर्फ एक की शादी हुई हुई है DM या DF की, तो फिर ऐसे कंडीशन में भी उन्हें लगता है कि यू नो हमें हमारे DM के साथ ही यूनियन चाहिए, हमें हमारे DM के साथ ही मैरिज चाहिए, और इसी बात को लेकर वो जो है बैठ जाती है। तो इस जर्नी का पर्पस सिर्फ यूनियन में आना नहीं है, अपने आप को एक बेस्ट वर्जन जो है बनाना है। आप बार बार यूनियन की तरफ भागोगे, तो आपके ट्विन भी जो है आपसे यू नो दूर भागेंगे। जब आप आपके हीलिंग के तरफ ध्यान दोगे, फोकस रहोगे, अपने आप पर जो है कॉन्सेंट्रेट करोगे, अपने आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स को जब आप सॉल्व करने लग जाओगे, तब जो है आपकी एक टाइप से हीलिंग स्टार्ट होगी। आप जब आपके DM के इश्यूज जो आपको मिरर करते हैं, उन्हें जब आप हील करोगे, तब आपकी अच्छे से जो है हीलिंग स्टार्ट होगी। सो इस जर्नी में आने के बाद आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना, उन्हें हील करना, और अपने आप का एक बेस्ट वर्जन बनना, यही होना चाहिए, ना कि DM के साथ मैरिज, DM के साथ यूनियन। अगर आपकी ट्विन फ्लेम मैरिड है, या आप किसी से मैरिड है, या फिर आप दोनों भी मैरिड हो,
तो फिर आपको एक बात समझनी चाहिए कि यू नो उस पर्सन ने किसी अदर पर्सन को अब चूज़ कर लिया है और अब वो जो है उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर वो अपनी लाइफ में खुश है या दुखी भी है, लेकिन आपको जो है यही समझना चाहिए कि आपको आपकी लाइफ में खुश रहने के लिए क्या चाहिए। अगर आप उनसे मूव ऑन करना चाहते हो तो फिर आपको हील होना ज़रूरी होगा। जब आप हील होगे तभी वो पर्सन से जो है आपके DM से जो है आप मूव ऑन कर पाओगे। अगर आप हील नहीं होगे तो डेफिनेटली यूनिवर्स जो है बार बार आपको उनकी तरफ जो है खींचता रहेगा। और जैसे जैसे आप हील हो जाओगे, अगर यू नो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके DM के साथ मैरिज करने का हुआ, तो आपके DM भी जो है अपने आप धीरे धीरे जो है आपके तरफ अट्रैक्ट होने लग जाओगे। जैसे आप ज़्यादा ज़्यादा हीलिंग करके आप आपकी जर्नी में जो है आगे बढ़ोगे। तो इस तरह से गाइस आपका पर्पस जो है सिर्फ आपका बेस्ट वर्जन बनने पर, आपकी ग्रोथ करने पर होना चाहिए, वरना आप इसी तरह से जो है जर्नी में स्टक रहोगे, फंसे रहोगे। सो चलिए गाइस, आई होप कि आपके साथ ये पॉडकास्ट जो है रेजोनेट करे। अगर आपको मेरे पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे पॉडकास्ट को जो है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो है शेयर करें। सो चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय बाय।